तो आखिर में एक पल ऐसा आया जिसमें आपने देखा कि खून मिल चुका था गेहूं में, वीट में, तो उसको हाथ से लिया और दो अन्न खिला दिए गए। कैसे इसको देखा आपने और कैसे बयान करेंगे? देखिए, ये जो सीन था, इस सीन के बारे में कुछ भी कहना, ये समझिए कि स्पीचलेस। पूरे भारतवर्ष में कोई भी ऐसी महिला या कोई भी ऐसी अर्धांगिनी नहीं है जो अपने पति का रक्तपान कर पाए। और इस फिल्म में जिन लोगों के माध्यम से इस सीन को दिखाया गया कि तुम्हें जीवनदान तब मिलेगा जब तुम इस खून के समेत अन्न को, अपने पति के खून के समेत इस अन्न को ग्रहण करोगे, तब हम तुम्हारे परिवार को छोड़ेंगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार को यहीं मार देंगे। और लास्ट में जब एक सीन ऐसा देखा कि उस सीन से रोंगटे खड़े हो गए। भरे बाजार में बहनों की हत्या, बहनों का शोषण, उनकी क्या कहूँ, इज्जत, मान सम्मान, सभी चीज़ों को इस रूप से रखा गया कि देखा नहीं जा रहा था। आखिरकार उन 24 लोगों को माथे पर गोली मार करके नींद में, मौत की नींद में सुला दिया। क्या कसूर था उनका? सिर्फ यही कि वो पंडित थे, हिंदू थे? ये नहीं। एक बहन को आरे से छिनवा दिया गया। क्यों? क्या वो इसलिए कि वो हिंदू पंडित थे? क्या इस भारतवर्ष में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, क्या वो होना चाहिए? क्या इसलिए कि इस भारत में हिंदुत्व की बात करना गलत है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग उतर रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोला इन्होंने। और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप मूवी देखकर आ रहे थे कश्मीर? कोई कुछ बोलने को राजी नहीं। हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे थे कश्मीर फाइल्स देखकर आ रहे हो, कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, फिल्म बहुत अच्छी, मूवी बहुत अच्छी, अच्छी फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। भाई आप क्या बोलेंगे? भाई बिल्कुल ही पार्ट दें आपकी तरह कश्मीर। बहुत बढ़िया मूवी थी भाई, बढ़िया मूवी हो। बहुत बढ़िया फिल्म। कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। आप देख सकते हैं हम लगे हुए हैं। भाई आप कुछ बोलेंगे? भारत माता की जय। बहुत अच्छा मैम, आपके बोलना चाहते हैं। मूवी देखकर आप आए हैं द कश्मीर फाइल्स, क्या सार निकला मूवी का? आतंकवाद कभी भी सही नहीं है, और कभी भी जो हम अपना वैमनस्य को जो बढ़ा रहे हैं, धर्म एक ऐसा चरस है, चाहे वो कहीं भी इस्तेमाल हो, कहीं भी हो, वो गलत ही होता है। ठीक है, तो और भी काफी लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं हम। आप तक कश्मीर फाइल्स देखकर आ रहे हैं, लोग नहीं बोल रहे, आप बोलेंगे? जय श्री महाकाल। बस भाई, जय श्री। हाँ भाई, बस भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। बस भाई, नहीं, ये हमने द कश्मीरी फाइल्स देखी सभी भाइयों ने मिलके। हमारा मूड बहुत मतलब ऑफ हो गया है इस चीज़ को लेके कि हमारे जितने भी कश्मीर के हमारे पंडित थे, उन्होंने
उनपे भगवा भी डाल के लाए। भगवा हम इसलिए लाए हैं कि हम कट्टर हिंदू है, हमें अपने सनातन धर्म से बहुत प्रेम है। हमने अभी ये कश्मीर मूवी देखी, हमारे जो कश्मीर लोगों पर इतना अत्याचार हुआ पंडितों पे, इसको लेके ना हमारे मन में मतलब बहुत दुख है इतना कि इतना अत्याचार उन पर क्यों हुआ। इस चीज़ का उनको अभी तक कोई फैसला मतलब इंसाफ होना चाहिए। आपको पता है कि 1984 की जब फाइल रीओपन हो सकती है तो 1990 की कश्मीरी पंडित क्यों नहीं? हाँ जी, 1984 की फाइल जब रीओपन हो सकती है तो 1990 की क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, जस्टिस तो उनको मिलना चाहिए, अभी तक जस्टिस मिला नहीं ना उनको। इंसाफ बहुत ज़रूरी है, हम तो चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जस्टिस मिलेगा जब भी पंडितों को इंसाफ होगा, वरना हम भी इंसाफ की मांग करेंगे सरकार से, होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कैसे अपील करेंगे कि थिएटर में? हम यही अपील करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें आप हॉल में जाके, ऑनलाइन ना देखें। द कश्मीर फाइल को आप हॉल में जाके देखें, ऑनलाइन देख के इसका अपमान मत करिए। आप अपनी फैमिली के साथ देखो, दोस्तों के साथ देखो, आओ और देखिए, ये हकीकत है, ये सच्चाई हमने देखी है, हमें पता है, सभी भाइयों ने मिलकर देखी है। तो आप भी सभी आए, अपने घरों से निकले, दिन में देखो, रात में देखो, ऑनलाइन मत देखना, हॉल पे आके देखो, क्योंकि ये मूवी मत बोलना इसी को, ये मूवी नहीं है, ये सच्ची जो घटना है ना, जो घटी है वो है, जो हमारे पंडितों पे जो बीती हुई है ना, ये वो चीज़ है। तो आप ज़रूर आए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी भाई माता बहन सभी आए। जय श्री राम, जय गौ माता की। जय श्री राम, जय गौ माता की।